हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। पिछला जो वीडियो लेक्चर था लॉज ऑफ मोशन का, उसमें हमने कुछ कॉन्स्टेंट कंडीशंस बताई थी। मैंने बताया था वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। फिर वहाँ हमने कॉन्स्टेंट कंडीशन बताई थी, टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो, टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, और हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए थे। आज हम बात कर रहे हैं पुली कॉन्स्टेंट्स की, जिसमें मूवेबल पुली होगी, ठीक है ना। तो पुली कॉन्स्टेंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए। हम आपको 100% समझाएंगे और आप पुली के क्वेश्चंस यूं निकाल देंगे, पुली कॉन्स्टेंट्स के, समझ गए ना। तो हमने कुछ डायग्राम्स यहाँ बनाए हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे और आप एकदम मास्टर बन जाएंगे फिजिक्स के, लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो पुली कॉन्स्टेंट से रिलेटेड है, जिसमें मूवेबल पुली होगी। पुली किसी स्पीड से ऊपर जा रही है तो पुली से जो एसोसिएटेड ब्लॉक्स हैं वो किधर जाएंगे, उनकी क्या वेलोसिटी होगी, समझ गए ना। या पुली पर कोई ऑब्जर्वर या कोई कॉकरोच बैठ जाए तो उसको वो ब्लॉक किधर दिखाई देगा जाते हुए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। डायग्राम हमने तो बना के रख दिए, क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, तो हमने कुछ इनिशियली 2-3 डायग्राम बना दिए हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे, आप भी डायग्राम बना लें। तो शुरू करते हैं पुली कॉन्स्टेंट्स। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे हमने अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव ली है तो डाउनवर्ड वेलोसिटी को हमें नेगेटिव साइन देना है। एक तो बात ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी ऑफ पुली का जो फार्मूला है इसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लो कि वी पी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी अपॉन टू। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ पुली वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी अपॉन टू। पुली अगर रेस्ट में है तो वी पी जीरो हो जाएगा, ब्लॉक बी अगर रेस्ट में है तो वी बी जीरो हो जाएगा, ए रेस्ट में है तो वी ए जीरो हो जाएगा, या जिसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ रख देंगे। अपवर्ड वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और डाउनवर्ड वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। फिर से कह रहा हूँ वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी अपॉन टू, ये बेसिक फार्मूला है, आप याद कर लें इसको। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें जो है ना पुली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ए वाला जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा था ऑब्वियसली, अभी ए नीचे आएगा, अब हम देखेंगे बी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किस वेलोसिटी से जाएगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, वीपी की जगह क्या रखना, 10, ऊपर जा रहा है तो प्लस का 10, ठीक है ना, 10 रख दिया, इज इक्वल टू वी ए वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए, वी ए कितना जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस का 2, प्लस वी बी हमें निकालना है और अपॉन, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा ना, तो 10 × 20 हो जाएगा, तो बी बी बराबर कितना आ जाएगा 10 × 20, और माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस का 2, 22 मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, समझ गए ना, सबको समझ में आ गया। ऑलराइट, यहाँ आ जाइए, सेम चीज, यहाँ पर वर्टिकल मोशन नहीं, इधर उधर वाला मोशन है, तो कोई भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, ये पीछे वाली निगेटिव ले लेंगे, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा दो आप, वी पी बराबर वी ए प्लस वी बी अपॉन टू। वी पी कितना दिया गया 10, आप 10 ले लीजिए, वी ए हमें फाइंड आउट करना है, वी कितना है 0, क्यों बी तो यहाँ इससे बंधा है, रिजिड सपोर्ट से बंधा है, तो बी तो हिलेगा ही नहीं ना पॉइंट, तो बी की वेलोसिटी कितनी है 0 अपॉन टू, बी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कॉमन सेंस की बात है, पुली की जब हम आगे लेंगे तो ये बी ब्लॉक इधर ही जाएगा, मतलब प्लस में ही आनी है वेलोसिटी, ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल सिंपल है। यहाँ आ जाओ, निकालिए अपने आप, वी पी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी अपॉन टू, वी पी 2 दिया गया है, वी ए माइनस का 3, देखो ध्यान से
नीचे जा रहा है, बी भी हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन टू, टू टू या फोर माइनस थ्री प्लस बी भी, दिस गिव्स बी भी इक्वल टू 7 मीटर। अच्छा एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जितनी भी आपने वेलोसिटी निकाली है ये सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ध्यान रखना, चाहे ये बी बी हो, चाहे ये बी ए हो, चाहे ये बी बी हो, हम कहाँ से देख रहे हैं, ग्राउंड से। ये सारा कुछ क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये सब कुछ। अब यहीं से हम क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैंने क्या बताया, ये सारा कुछ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम कह रहे हैं कि अगर इस पुली पर कॉकरोच बैठ जाए, इसी में जोड़ रहा हूं, इफ अ कॉकरोच इज सिटिंग ऑन दिस पुली, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, ये जितनी भी हमने वेलोसिटी निकाली है ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। मतलब ये, अब इस क्वेश्चन देखिए, इसको हटा दें, हम हटा सकते हैं ना, किसी ने नोट नहीं किया तो प्लीज नोट कर लें, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो बी बी अननोन था ये हमें पता चल गया, कितना आ गया, अभी यहां लिख दूं, अब ये बी बी आ गया है आपका 7 मीटर पर सेकेंड। ये देखो आ गया ना 7, पहले अननोन था हमने लिख दिया, ये बाद की सिचुएशन है, नहीं तुम डायग्राम बनाने से पहले कह दो ये कहां से आ गया, ये बाद में आया सेकेंड। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ अ कॉकरोच इज सिटिंग या बैठ गया कर लो ऑन द पुली, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। ये हुई ना कोई बात। अब अगर आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर थोड़े से भी देखे हैं तो हमने क्या बताया था कि जब ऑब्जर्वर मूवेबल फ्रेम में ही आ जाता है, जैसे ये पुली मूवेबल है और ऑब्जर्वर या कॉकरोच, एक ऑब्जर्वर मान लिया, यहां पर कॉकरोच जगह ऑब्जर्वर हो सकता था, कन्फ्यूज मत होना, ये कॉकरोच वाला क्वेश्चन है, अरे कोई भी इंसेक्ट यहां बैठ सकता है ना, वो इंसेक्ट ऑब्जर्वर हो गया। तो जब ऑब्जर्वर यहां बैठ जाता, तो मैंने क्या बताया था, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा है उसकी वेलोसिटी को या उसकी एक्सीलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दो। अगर ये बात आपको पता है तब तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे आपने कहा इसमें कॉकरोच आके बैठ गया, ये तो कॉकरोच हमने बैठा दिया इसके ऊपर। अब कॉकरोच की वेलोसिटी कितनी है, 2, पुली 2 से जा रही है, कॉकरोच भी 2 से ही जा रहा ना, मतलब कॉकरोच के रिस्पेक्ट में पुली की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मतलब पुली जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से तो कॉकरोच जाएगा ऊपर, क्योंकि जैसे आप बस के अंदर बैठे हैं तो बस की स्पीड 40, मतलब आपकी स्पीड 40 आपके रिस्पेक्ट में, बस रेस्ट में, थोड़ी देर बाद क्या बस आपसे आगे निकल जाएगी, आप तो बस के अंदर ही है ना, बस के साथ ही है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटी है ना 2 मीटर पर सेकेंड, यही ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी, क्योंकि पुली पे ही बैठ गया ऑब्जर्वर, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दो, मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर है, इधर भी 2 दे दो अपोजिट में, इधर भी 2 दे दो अपोजिट में, समझ पा रहे ना, ये वेलोसिटी है ना 7 मीटर पर सेकेंड इधर आई, ऊपर आई है, प्लस का 7 आया भाई मेरे, मतलब पहले का क्वेश्चन क्या था, ये पुली 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही थी, ये ब्लॉक नीचे आ रहा था, इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमें निकालनी थी, आपने निकाल दिया 7 था, ये ब्लॉक 3 से नीचे आ रहा है, ये 7 से ऊपर जा रहा है। अब हमने क्वेश्चन में चेंज किया था, उसको सुनिए, हमने कहा कि कॉकरोच यहाँ के बैठ गया, अब कॉकरोच के रिस्पेक्ट में ए और बी की वेलोसिटी क्या होंगी, ये हमने पूछ लिया। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि जैसे ही कोई ऑब्जर्वर फ्रेम में आ गया है तो उस ऑब्जर्वर की या उस फ्रेम की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को ट्रांसफर कर दो, मतलब ये 3 से नीचे था ना, ये 2 ऊपर है, अपोजिट किधर हुआ, नीचे, तो 2 इधर नीचे कर दो 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 2 नीचे कर दो
आप देखो कॉकरोच को क्या वेलोसिटी दिखेगी, ये थ्री नीचे टू नीचे तो फाइव हो गया ना, तो वी ए बराबर आएगा माइनस थ्री माइनस टू मतलब माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड, और बी बी क्या आएगा, सेवन ऊपर था और दो नीचे, सेवन माइनस टू मतलब फाइव मीटर पर सेकेंड। दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी एज सीन बाय द कॉकरोच, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन और अच्छे अच्छे बनाते हैं ताकि आपको और भी मजा आ जाए। ये कॉकरोच वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक क्वेश्चन दे देता हूं यहां पर। एक क्वेश्चन कॉकरोच वाला बना देता हूं, ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, और ये 10 मीटर से ऊपर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो हमें बी बी निकालना है, बी बी निकाल देना। देखिए क्या क्वेश्चन में, यही वाला क्वेश्चन हम दूसरी तरफ बना रहे हैं। आपको देखो ये पुली ऊपर जा रही है, ये 10 मीटर से ऊपर जा रहा है, बी बी निकालो पहले। तो क्या फॉर्म लगाएंगे, बी बी बराबर बी ए प्लस बी बी अपॉन टू, बी पी दिया गया 10, बी ए कितना दिया गया 10 प्लस बी बी अपॉन टू, टू टेन या 20 माइनस 10 इक्वल टू बी बी, तो बी बी बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बी बी कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखो कोई दिक्कत तो नहीं, 20 है यार, तुम लोग भी जो ना 40 30, ठीक है ना, तो बी पी कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब 30 ऊपर की ओर है। अब सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, अब यहां पर अगर इंसेक्ट बैठ जाए तो हमें वेलोसिटी ए और बी की क्या दिखेगी, ये कितना आ गया आपका बी पी आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की ओर आया प्लस है ना। अब यहां पर आपने कहा कि इंसेक्ट बैठ गया है, तो मैंने क्या बताया इसकी वेलोसिटी है ना 20 मीटर पर सेकेंड, उसको नीचे ट्रांसफर कर दो। देखो ये 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ट्रांसफर कर दी, तो इसको वेलोसिटी क्या दिखेगी, देखो 10 ऊपर 20 नीचे, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी दिखेगी, माइनस 20 प्लस 10 तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या दिखेगी कॉकरोच को, 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकेंड, एक प्लस का 10 और एक माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। तो कॉकरोच या इंसेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कॉकरोच या इंसेक्ट के ऑब्जर्वर, जैसे ही ऑब्जर्वर पुली पे बैठे तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पुली की वेलोसिटी हो गई, ऑब्जर्वर पुली पे ही बैठ गया, पुली जिस चीज, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दो, और ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी आपको दिखी रही, इसको अपोजिट में ट्रांसफर किया तो नेट वेलोसिटी निकाल लो, जैसे यहां पर हमने निकाला, जो नेट वेलोसिटी होगी वही कॉकरोच या इंसेक्ट या ऑब्जर्वर को दिखेगी। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ नए क्वेश्चन, चलिए हटाऊं इसको भाई, देखिए बहुत तसल्ली से समझा रहा हूं, आप एक एक चीज सीखें, नहीं सीखेंगे तो आपके सामने दिक्कतें आने वाली हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठे, हर वीडियो लेक्चर बोलता हूं लेकिन आप नहीं सुन पा रहे। चलिए डायग्राम बनाता हूं एक दो और, उसके बाद हम शुरू करते हैं। डायग्राम बनाने में ही टाइम लग जाता है सर।
करते रहती हैं। इसको 10 मीटर पर सेकंड से नीचे खींच रहे हैं, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे खींच रहे हैं। तो इसके साथ जो ब्लॉक जुड़ा है, ई ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालनी है। देखिए ध्यान समझिए, इन दोनों को जब हम ऐसे खींचेंगे, इसको नीचे, तो ये पुली ऊपर जाएगी ना, तो पुली जिस स्पीड से ऊपर जाएगी वही तो ब्लॉक उसी स्पीड से ऊपर जाएगा। देखो ध्यान से, इन दोनों डोरियों को खींचो ऐसे करके, इनको जैसे ही खींचोगे तो पुली ऊपर जाएगी ना, तो वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर होगी, जो वेलोसिटी ऑफ पुली होगी ना, अरे भाई जिस वेलोसिटी से पुली ऊपर जाएगी उसी वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो मतलब इनडायरेक्ट वे में हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ पुली निकालनी है। वही वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ पुली, ये फिक्स है। अब कैसे निकालते हैं, आपके पास फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ पुली का, क्या फार्मूला है, बी ए प्लस बी बी अपॉन टू। अब आप अपने आप कीजिए एक बार, कर लिया हो तो बता दो भाई आंसर मुझे। अरे यार 10 प्लस 10 दोनों दिया गया यार, वेलोसिटी ऑफ पुली निकालनी है, बी ए और बी बी दोनों दिए गए आपको, 10 10 दिए गए हैं। देखो आप ऐसे समझ सकते हो, ये 10 है, ये 10 है, इसे खींचेंगे जैसे इस 10 से इधर से खींचा तो ये 10 से ऊपर जाएगा ना, ऐसे समझो, इसको 10 से खींचा तो ये 10 से ऊपर जाएगा ना, ऐसे समझ लो यार, ऐसे समझ लो भाई। आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ पुली जब निकालते हैं तो पुली से एसोसिएटेड वेलोसिटी जाती ना, बी ए बी बी ए कहलाएगी। अब आपको यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, इसलिए क्वेश्चन बनाया था, मुझे पता था आप सीधा ये -10 प्लस -10 अपॉन 2 ले तो आप गलत हो जाएगा आंसर। आप सोचो अगर ये नीचे दिख रही है तो -10, ये भी नीचे दिख -10, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा पुली का, जबकि आपको दिख रही पुली किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। इन दोनों ब्लॉक को नीचे खींचोगे पुली किधर जाएगी, ऊपर। पुली की वेलोसिटी किसमें आनी चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन आपका जो कौन सी, इसीलिए मैं तो रुका था कि आपके हिसाब से माइनस आना चाहिए, नहीं, इस 10 से जब खींचोगे ना तो यही 10 ट्रांसफर किधर जाएगा ना, इसी जब 10 से ये खींचेगा तो ये 10 से रस्सी ऊपर जाएगी ना, ये ऐसे ये 10, तो ये 10 10 हो गया, तो प्लस का 10 अपॉन 2 मतलब 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ पुली होगी, यही वेलोसिटी ऑफ ए होगी, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए एक इंक्लाइन प्लेन वाला भी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते थोड़ा सा। क्वेश्चन बनाने में टाइम लग जाता है भाई, ठीक है ना, इससे ब्लॉक लगा दो आप, ये ब्लॉक लगा दिया ए, इसको जब खींच रहे हैं यहां भी पुली जड़ लो एक, तुम समझ जाना भाई, पुली थोड़ी बड़ी कर लो, ये तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। पुली इससे फिर एक पुली जुड़ी है शायद, और इनको जोड़ना है बस, 10 मीटर पर सेकेंड, ये है क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकेंड इसको ऐसे खींचा है तो ये ब्लॉक ए कितनी स्पीड से खींचेगा, इसको करना है। देखिए इसको करने का, अभी तो हमने पुली कांस्टेंट बताया उससे तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो हमने कल का मतलब है पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने टेंशन या कांस्टेंट की ट्रिक्स दी थी, टी डॉट बी इक्वल टू जीरो या
टी डॉट ए इक्वल टू जीरो, उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो अभी आप खुली के हिसाब से कीजिए, ये 10 है, ये कितना है 0, ये कितना आएगा बोलो भाई मेरे, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा ना, यहाँ वेलोसिटी एक्स मान लो यहाँ पर, और ये 10 प्लस 0 अपॉन 2 करोगे तो 5 आएगा ना यार, यहाँ वेलोसिटी कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, समझ ही नहीं रहे 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ आएगी कि नहीं आएगी ये पहले देख लो। इसको x मान लो, वेलोसिटी यहाँ पर वी एक्स बराबर वी ए प्लस वी बी अपॉन 2, वी ए कितना है 10, वी बी कितना है 0, ये तो 0 है ना, फिक्स है ना, 5 ही तो आएगा ना। अब ये 5 है ऊपर की ओर, इसको ट्रांसफर करो ये 5 नीचे बन जाएगा, ये फिर 0, तो यहाँ कितना आएगा, ये 5 है ये 0 है तो यहाँ कितना आएगा 5 प्लस 0 अपॉन 2 यार करो 2.5 आएगा। आप गौर से देखिए, ये 10 है ये 0, तो यहाँ कुली की वेलोसिटी कितनी आएगी 5, अब ये 5 है ये 0, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी आएगी 2.5, यही 2.5 इधर आगे जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड, अब ये 2.5 है ये 0, तो ये कितना आ जाएगा कर लो बी पी बराबर बी ए प्लस बी बी अपॉन 2, बी पी कितना 2.5, बी ए हमें निकालना बी बी कितना 0 अपॉन 2, तो बी ए कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5 मीटर पर सेकेंड। कहाँ दिक्कत है यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खुला डायग्राम बनाएं थोड़ा बड़ा सा आप समझ सकते हैं। देखिए ये 10 है और ये 0 है, तो ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, बी पी बराबर बी ए प्लस बी बी अपॉन 2 करके 5 ही आएगी ना यार, ये 5 है ये 0 है ये 2.5 आएगी, ये 2.5 है ये स्ट्रिंग देती है ना 2.5, ये इधर है ये 2.5 इधर होगी, तो 2.5 ये है और ये 0 है और ये बी ए है, निकाल लो सब खत्म। या टी डॉट वी इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो भी बन जाएगा आपकी इक्वेशन, यहाँ टी डॉट बी करो यहाँ टी डॉट बी करो, दोनों को इक्वेट कर दो। मैंने कहा ना टी डॉट बी जब कल फार्मूला लगा रहे थे, एक तरफ माइनस आता था एक प्लस का आता था, माइनस वाले को उधर ले जाते, मतलब टी वन बी वन बराबर टी टू वी टू भी आप लगा सकते हो, फार्मूला एक ही बात है। तो चलिए मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा, मैंने कहा ना पापा समझ लो इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमने आपको ट्रिक दे दी है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने आप डायग्राम बना बना के तो आपका कुछ होने वाला भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं क्या बता रहा था अभी, इसी क्वेश्चन को हम टेंशन ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपका लेना, हम एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं उसको करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और बढ़िया वाला एकदम, एक ब्लॉक दो ब्लॉक तीन ब्लॉक बहुत सारा कुछ बंधा हुआ है। टेंशन ट्रिक, इस क्वेश्चन को हम टेंशन ट्रिक से कर देंगे, डायग्राम बनाने में तो दिमाग ही खराब होता है, उन्हें छूट नहीं जानी चाहिए कोई भी। चलिए पहली कुली नीचे ले आओ, चलिए दूसरी कुली बांधिए नीचे ले आओ, चलिए तीसरी कुली बांधिए, मजा आ जाएगा चाहे जितनी कुली लटकाओ आप। चलिए अब क्या है, इन तीनों कुली से जो ब्लॉक बना है ध्यान से किसना, ये ब्लॉक बना है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर, तो यहां जो ब्लॉक बंधा है ए ब्लॉक है
इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड बी ए। चलिए अब आप अपने आप करिए, एक बार अपने आप करने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, ये 20 है, ये निकालना है, ये निकाल लो, फिर ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, एक तरीका ये था। जल्दी फटाफट करो, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, ध्यान दो आप। चलिए मेरे तरीके पाओ, टेंशन ट्रिक देखो। ये ब्लॉक नीचे खींचा, टेंशन टी, कोई दिक्कत? यही टी इसमें आएगा, ये स्प्रिंग सेम ही है ना, ये वाली टी। यहाँ टेंशन कितना आएगा? टू टी। यहाँ कितना आएगा? टू टी। यहाँ कितना आएगा? फोर टी। वही यहाँ आएगा फोर टी। देखो ध्यान से, टेंशन ट्रिक, टेंशन बनाना आता है। ये टी है, इसमें टी होगा। अब ये टी टी मिलकर डबल हो जाता है, टू टी, ये टू टी है, ये भी टू टी, टू टी, टू टी, फोर टी, ये फोर टी, ये फोर टी। टेंशन निकालना सीखो भाई एक झटके में। डायग्राम आपके सामने है, देखिए आप, टेंशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डायग्राम आपके सामने है, मैं कह रहा हूं एक बार आप खुद करके देखें। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैंने कल टेंशन ट्रिक बताई थी, अभी टेंशन वाले से भी करेंगे, पुली वाले से भी कर देंगे, दोनों तरह से इस क्वेश्चन को कर देंगे। टेंशन ट्रिक क्या थी कि ब्लॉक बी का टेंशन इंटू ब्लॉक बी की वेलोसिटी इज इक्वल टू ब्लॉक ए का टेंशन इंटू ब्लॉक बी की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी। भाई हमने बताया था टी वन बी वन प्लस टी टू बी टू इक्वल टू जीरो। अभी तो कॉमन सेंस की बात है कि एक तरफ का ब्लॉक नीचे आएगा तो दूसरे ऊपर आएगा, एक वेलोसिटी प्लस में होगी, माइनस में, मतलब एक टर्म प्लस का आएगा एक माइनस का, तो हमने कहा उधर उधर कर दो। मतलब अगर ए का टेंशन टी है, ए का टेंशन कितना है टी, और ए की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी बी ए, इसमें कोई दिक्कत है? सिर्फ ए को देखो, ब्लॉक को बस, ए का टेंशन टी, ए की वेलोसिटी बी ए। अब आप बी का आ जाओ, बी ब्लॉक जो आपको दिख रहा है, बी का टेंशन देख बता दो मुझे, 40, 2t, 60 और t 70, t, 2t और 40, 70 है इसका टेंशन टोटल ऊपर की ओर, 70 इंटू ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी है 20। एक लाइन का क्वेश्चन है यार, टी से टी गया, बी ए इक्वल टू 140। इससे सरल कोई चीज है नहीं, जो मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूं, इससे सरल कुछ भी नहीं है तरीका। ये लो, इतना लंबा चौड़ा डायग्राम देख के 11th का बच्चा यही डर जाता है कि हमने देख सिंपल वाली एक पुली सीखी, क्या है दो दो तीन तीन चार चार पुलियां, कितनी लगाओ ना पुली। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम अभी जो बताया था पुली कॉन्स्टेंट, उससे करने की कोशिश करो। वापस बनाइए, हम जब तक डायग्राम बना रहे तब तक आप बनाइए, क्योंकि हम आपको सिखा चुके हैं, ज्यादा परेशान मत करो भाई, कुछ पढ़ने की भी कोशिश किया करो तुम लोग। इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक बार अपने आप करने की कोशिश करो, 20 मीटर पर सेकेंड करने की कोशिश करो। देखो इधर, ये 20 है, मतलब ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, तो इसकी वेलोसिटी निकल आएगी, जल्दी निकालो फटाफट। ये तो पुली फिक्स है, सॉरी यहां पर वेलोसिटी निकाल लो, ये पुली फिक्स है, ये पुली चल नहीं रही है, तो यहां वेलोसिटी और पुली कितनी है जीरो। फार्मूला क्या बनता है? बीपी बराबर बी ए प्लस बी बी अपॉन टू। बीपी जीरो है, एक तरफ की वेलोसिटी 20 है, दूसरी तरफ की वेलोसिटी पता नहीं है,
कितनी आएगी दूसरी तरफ वेलोसिटी, अब आप यही देख के बता दो कितनी आएगी। अरे भाई मेरे जल्दी बताओ, ए से कंफ्यूज मत हो, बीपी का मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली है, उसको देख के पढ़ो। 20 दिया गया है। अरे 20 है यार, 20 और बी ए माइनस की तरफ ले जाओ इसको, तो यहाँ पर वेलोसिटी ये भी 20 है, कौन सी वेलोसिटी आप निकाल रहे? एक मिनट, ये 20 है देखो, ये 20 है, ये 20 लिखो यहाँ पर, हम यहाँ पर आ गए, यहाँ की बात ही नहीं, हम यहाँ पर आ गए, ये भी 20 है, ये निकल आएगी वेलोसिटी, ठीक है बिल्कुल, हमें यहाँ तक तो वेलोसिटी पता ही है, इसके इससे मतलब ही नहीं, ध्यान दो अगर ये 20 है तो ये भी 20 है आपकी, और छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ये जो इसको जीरो मान चले तो यहाँ वेलोसिटी निकाल लेना, जीरो बराबर कितना कर लेते, जीरो प्लस सॉरी 20 प्लस बी ए अपॉन टू करेंगे जीरो जाएगा, तो बी ए बराबर माइनस का ही 20 हो रहा है ना, मतलब यहाँ वेलोसिटी में पता 20 है, अगर इसको नहीं निकालते तो भी ये पता, ये 20 है तो ये भी तो 20 ही होगी ना, अब ये 20 पता चल गई तुम्हें ये वाली वेलोसिटी, अब ये वाली कितनी है 20, ये वाली वेलोसिटी निकालो ना, ये भी तो 20 है ना, ये 20 है वेलोसिटी, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, तो यहाँ वेलोसिटी निकालो ये कितनी आएगी, फाइनली जल्दी निकाल के बताइए, ये 20 है, ये 20 है, ये वाली निकाल लो, वही कॉन्सेप्ट लगाओ, बी पी बराबर बी ए प्लस बी बी अपॉन टू, ये 20 है तो ये भी 20 हो गई, निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे चलते आओ, देखो कुछ नहीं करना है, आप जैसे हमने बार बार यहाँ फॉर्मूला लगाया, यहाँ से आया तो 20 ही है, तो हमें पहले ही पता था ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, तो ये 20 है, अब ये 20 है, ये 20 है तो ये कितनी होगी, बस ये निकालनी है, ये 20 है, ये 20 है तो ये कितनी होगी, बस ये निकाल लो, चलिए निकालिए एक बार, पॉज करके निकालिए, माइनस का 20 प्लस बी बी अपॉन टू, बी बी 40 माइनस 20 प्लस 20 इक्वल टू बी बी 60 मीटर पर सेकेंड आ गई है, यहाँ लौटी अभी 60 मीटर पर सेकेंड, उनको निकालोगी नहीं, ये 60 है, ये 20 है, ये निकालना है, तो 60 बराबर ये 20 है प्लस बी ए अपॉन माइनस की 20 होगी, इधर माइनस का 20 है, ये सब 20 है, ये सब 20 20 20 ये 20 ये 60 ये निकालना है, अपॉन टू साथ में 120 माइनस 20 प्लस 30 इक्वल टू बी, तो बी ए बराबर 140 दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था यहाँ पर, ये बिल्कुल आधी लाइन का है, तो जिसको हमने कल ही आपको बता दिया था, तो बिल्कुल आप आधी लाइन का क्वेश्चन करें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, देखो आप वापस समझाता हूँ, ये 20 से इस ब्लॉक को खींचा गया, इस ब्लॉक से तीन स्ट्रिंग लगी है, तो 20 20 20 ये दिमाग में भर लो, 20 20 20 ये 20 है, ये 20 फिक्स है, ये 20 फिक्स कर लो, ये नहीं तो हम बी पी बराबर बी ए प्लस बी बी अपॉन टू से निकालोगे तो भी 20 ही आएगी, अब ये 20 है, ये 20 है तो ये निकाल लो, ये 20 है, ये 20 है, ये पुली का वेलोसिटी दिया ना है यहाँ पर 20, अब यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है तो ये इसलिए ये बराबर नहीं है, देखो क्या कहा यहाँ पर, ये पुली रेस्ट में थी, ध्यान समझिए, ये पुली रेस्ट में, इसलिए ये 20 थी, ये 20 है, लेकिन अब ये इसकी वेलोसिटी 20 है यहां पर, तो जो ये होगी वो ये नहीं होगी, अगर ये रेस्ट में होती ना तो ये सेम होती, इसे यहां हमने कर लिया, अब इसकी वेलोसिटी चूंकि माइनस का 20 है तो इसकी 20 है, इसकी हमने निकाली 60 आ गई, कैसे आई देखो आप, ये आ गई 60, अब जब ये 60 आ गई, ये 20 पता है तो ये आ जाएगा, बस मैंने क्या बताया था, कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है एक बार, ये 20 थी सर आपने तो यहाँ 20 ले ली, बड़ी अच्छी बात,
तो ये 20 है तो यहां 20 क्यों नहीं ली ना, ये 20 है तो यहां 20 इसलिए नहीं ली कि यहां पर इसकी वेलोसिटी भी तो आपको दी गई 20। अगर पुली रेस्ट में होती तो ये 20 थी तो ये भी 20 होती ना, वो तो पुली भी तो मोशन में है। स्टार्टिंग का लेसन आज कहां से स्टार्ट हुआ, पुली मोशन थी तो जो इधर वाला ब्लॉक था इधर वाला ब्लॉक था वेलोसिटी सेम कहां आ रही थी। लेकिन जब पुली रिजिड होती फिक्स होती है, यही तो ध्यान रखना है कि पुली अगर फिक्स है तो जो वेलोसिटी ये होती है वो ये होती है, ये जितनी स्पीड से नीचे आएगा उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर पुली भी मोशन में है तो इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, जरूरी नहीं है सेम हो जाए, समझ गए ना। इसलिए यहाँ 20 थी तो यहाँ 20 आ गई थी, हमने कैलकुलेशन से निकाली तो भी 20 ही आई थी। लेकिन आप डायरेक्ट ले सकते हो यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ 20 है तो ये भी 20 होगी, क्योंकि यहाँ पुली ये मोशन में है इसलिए हमें ये निकालनी पड़ी 60। अब ये 60 है, अब ये 20 फिक्स है तो ये निकल आई। बस सीक्वेंस में चलना है और हमने कहा टेंशन फिक्स है तो आपका आदि लाइन हो गया। तो आप जो मैंने पिछला वीडियो लेक्चर दिया था और आज का जो वीडियो लेक्चर है, ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स कंडीशन पे बेस्ड वीडियो लेक्चर थे। इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आपके अंदर आता जाएगा, समझ लेना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आपके अंदर आता जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका डायग्राम बनाने में भी हाथ कांपेगा, समझ गए ना। तो स्पेशली कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया, सुन लिया, हाँ हो गया था, पढ़ लिया, उससे फ़ायदा क्या। आप एक क्वेश्चन अपने आप करें, किसी रेफरेंस बुक को खोलें, वहाँ पुली सुली बहुत सारी हर रेफरेंस बुक में मिल जाएंगी, आप बनाएं, फिर आप सोचें हम इसको पुली कॉन्स्टेंट से कर सकते हैं या टेंशन कंडीशन जो बताई थी सर ने उससे कर सकते हैं या कोई और तरीका हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दुनिया की कोई भी ताकत आपको होशियार नहीं बना सकती, फिजिक्स में एटलीस्ट। ये आपके साइंस के सब्जेक्ट की फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, दे नीड प्रैक्टिस, समझ गए ना। प्रैक्टिस नहीं होती तो डायग्राम बनाने में ही टाइम लगता है। मैं भी डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाने के चक्कर में कितना समझ बना रहा हूँ, अच्छा इसलिए बना रहा हूँ तुम्हें समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं, नहीं तो डायग्राम में तो घास काटना ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको जो आज पुली कॉन्स्टेंट्स बताएंगे उनकी प्रैक्टिस करो बार बार, कि इधर वाली वेलोसिटी नेगेटिव प्लीज ऊपर वाली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आई है नेगेटिव, जैसे ये पीछे इधर है यहाँ हमने गाड़ी माइनस से 20 आई, मतलब ये नीचे आ रही, ये नीचे दी गई, ये कितनी आएगी 60 आई, ये 60 आई, ये कितनी, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी भाई डायरेक्शन के साथ। जैसे मान लो अगर आपने डायरेक्शन यहाँ उल्टी सीधी कर दी, यहाँ माइनस लगे प्लस का 20 लिया होता गलती से, तो ये 20 तो नीचे आ लेता, ये तो 20 रह जाती, आंसर आपका गलत रह जाता ना। तो साइन कन्वेंशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं केवल आपने क्वेश्चन सीख लिया बी ए बी पी बराबर बी ए प्लस बी वी बाई टू, अब आप ध्यान रखते हो बी पी जगह प्लस लेना माइनस लेना, बी ए की जगह प्लस लेना या माइनस लेना, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए स्टार्टिंग मैंने बेसिक्स क्वेश्चन कराए थे 2-3, ताकि आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रहे कौन सा ब्लॉक किधर जा रहा है, उसका साइन प्लस लेना या माइनस लेना। बिना साइन कन्वेंशन के आप नहीं कुछ भी कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, बिना साइन कन्वेंशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो साइन कन्वेंशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और दोनों तरीके मैंने बता दिए। अगर इसको पुली कांस्टेंट से नहीं करना चाहो बीपी बराबर बीए प्लस बीबी, तो आप टेंशन ट्रिक से बड़े आसानी से कर सकते हो। तो टेंशन ट्रिक में भी क्या, आपको टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए भाई, ये ब्लॉक आपने कहा है ये लटक रहा है, लटक रहा है मतलब स्प्रिंग टेंशन ऊपर की ओर होगा, बस इतना ही पकड़ना है। अब इसमें अगर ऊपर की ओर है तो ये सेम स्प्रिंग है ना, तो इसमें भी ऊपर की ओर ही होगा। अब आपको यहाँ टेंशन देना है यहाँ पर, तो ये टी और टी क्या है, टूटी आएगा ना टेंशन, बैलेंस कर दो ऊपर, अब ये टूटी आ गया, ये भी टूटी आ गया, यहाँ कितना गया 40 आ गया, ये 40 आ गया, ये भी 40 आ गया, ये कितना, तो इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना आ रहा है 40 × 2 × 70 आ गया इनटू वेलोसिटी, इस ब्लॉक पे टेंशन कितना टी इनटू इट्स वेलोसिटी, आराम से हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो गलती नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बार बार गलतियां होंगी। बस इतना सीधा सा लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तो आप पढ़ने लगोगे, और नहीं आएगा तो मेरे कहने से तो आप वैसे ही पढ़ने वाले बोलें, समझ गए ना। पढ़ लो, बात समझ में आ जाए तो अच्छी है, नहीं तो ठीक है। वीडियो सीक्वेंस में आ रहे, मैंने पहले ही बताया था कि लॉज ऑफ मोशन अभी चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का,
फर्स्ट लॉ कराया, सेकेंड लॉ कराया, थर्ड लॉ करा दिया, इम्पल्स करा दिया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कनेक्टेड मोशन, सब कुछ बता दिया मैंने, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की प्रॉब्लम कराई, फिर हमने कॉन्स्टेंट्स के दो वीडियो लेक्चर डाल दिए, एक पिछला वीडियो लेक्चर था कॉन्स्टेंट्स पे, एक आज वाला है। देखते रहिए, वीडियो लेक्चर लगातार आते रहेंगे और आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए इसको, चाहे आप एज ए टीचर मान लें या एज ए फ्रेंड मान लें, रिक्वेस्ट कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा सीखेंगे। सो प्लीज कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।